सीधी सी बिल्कुल बड़ी खबर के साथ, जहां पर पेशाब कांड पीड़ित का गंगा जल से शुद्धिकरण कराया गया है। कांग्रेस की जिला अध्यक्ष मुलाकात करने के लिए पहुंचे पीड़ित के घर पर और शुद्धिकरण किया गया है गंगा जल से। दशमत रावत के घर पहुंचे ज्ञान सिंह ने पीड़ित का गंगा जल से शुद्धिकरण किया है, पीड़ित को सहायता और सुरक्षा का भरोसा दिलाया है। और बकायदा इसमें कांग्रेस की तरफ से यह दलील दी जा रही है कि मुख्यमंत्री ने पीड़ित को अपने घर बुलाया और उसके पैर धोए। लेकिन चूंकि पेशाब कांड में भारतीय जनता पार्टी की नेता प्रवेश शुक्ला ने उसके चेहरे पर पेशाब की थी, लिहाजा उसे गंगा जल से धोकर शुद्धिकरण उसका किया जा रहा है। तो देखिए किस तरह की सियासत यहां पर चल रही है और एक तरह से सियासत का टूल इस पीड़ित को बना दिया गया है। इसके घर पे मिलने के लिए पहुंचे और देखिए किस तरह की मानसिक स्थिति से ये पीड़ित पहले ही गुजर रहा है और इसके बाद अब इस तरह से लगातार चीजें हो रही हैं। जिलाध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के मुलाकात करने के लिए पहुंचे और राजनीति चमकाने के लिए देखिए किस तरह से बकायदा शुद्धिकरण किया गया, गंगा जल इसके चेहरे पर छिड़का गया। और दलील ये कि मुख्यमंत्री ने बुलाकर तो पैर धोए थे लेकिन चेहरा पेशाब तो चेहरे पर किया गया था। मनोज जायसवाल हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं, फोन लाइन पर से बात करते हैं। मनोज, जिलाध्यक्ष कांग्रेस के पहुंचे और बकायदा पूजा पाठ कर रहे हैं, गंगा जल से शुद्धिकरण कर रहे हैं, क्या कहना है इनका? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस दिन की घटना है, 4 तारीख की घटना है, उस दिन जो पीड़िता है, पीड़िता ही दशमत रावत है, उसके घर पर नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल, मंत्री पूर्व कमलेश्वर पटेल और जिलाध्यक्ष ज्ञान सिंह, ये तीनों लोग धरने प्रदर्शन पे थे और ये पीड़िता के घर पे थे और ये लगातार प्रशासन से मांग कर रहे थे कि जो ये पीड़िता है इसकी सहायता की जाए। और इसका चूंकि पति, ये जो पीड़ित है, ये घर नहीं पहुंचा था 16 घंटे बाद भी, तो लगातार प्रशासन से मांग कर रहे थे कि उस पीड़िता को उसके घर ले जाया है। लेकिन स्थिति ये थी कि जिला प्रशासन द्वारा शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री से मिलवाने के लिए दशमत रावत को भोपाल ले जाया गया था, जिसके कारण उसके घर पर नहीं ला जाएगा था। और जैसे ही भोपाल में शिवराज सिंह जी ने दशमत रावत का पूजा पाठ किया, मनोज ये जो तस्वीर हम देख रहे हैं इस वक्त और जो जिलाध्यक्ष नजर आ रहे हैं, इनके संदर्भ में जानकारी दीजिए कि इन्होंने शुद्धिकरण किया है, गंगा जल बकायदा उसके चेहरे पर छिड़का है, क्या कहना है इनका? जी बिल्कुल, उनका कहना यह है कि जो घटना घटित हुई थी, तो जो आरोपी युवक प्रवेश शुक्ला है, उन्होंने उसके सर पर और चेहरे पर पेशाब किया था, लेकिन शिवराज सिंह जी ने जो है तो भोपाल बुला के पैर उन्होंने धोए हैं, ना कि चेहरे धोए हैं। उनका कहना है कि जो पेशाब जो मूत्र हुआ था वो उसके चेहरे पर हुआ था, लेकिन शिवराज सिंह जी ने उस स्थान को न छूकर पांव को टच किया है, पांव धोया है, तो निश्चित तौर से उनका ये मानना है कि जो पेशाब पड़ी थी उसका शुद्धिकरण नहीं हो पाया था। तो जिलाध्यक्ष बाकायदा अपने दलबल के साथ पहुंचे हैं पीड़िता के घर और वहां पे उन्होंने गंगा जल से छिड़क कर। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। जाहिर तौर पर सीधी पेशाब कांड के मामले में अब पीड़ित जो है वो सियासत का टूल बनता नजर आ रहा है, जिसमें कोई दो राय नहीं है। जिलाध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के मिलने के लिए घर पर पहुंचे और वहां पर बकायदा शुद्धिकरण किया गया गंगा जल से, और उसके पीछे अपनी दलील भी इनकी तरफ से दी गई है।